15वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में अचानक से कुछ ऐसा घटा जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यूरोप के काफी सारे इलाके में अचानक ही लोग गायब होने लगे। रात के अंधेरे में जब भी कोई किसी जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलता था तो वह अगले दिन अपने परिवार वालों के पास लौट नहीं पाता था, और पीछे छूटता था तो सिर्फ मातम का साया और मौत का रहस्य। शुरुआत में तो यह सिर्फ एक इत्तफाक लगा, लेकिन जब मृतकों की संख्या सैकड़ों में पहुंच गई तो लोग समझ गए कि यह सिर्फ इत्तफाक नहीं हो सकता कि अचानक कुछ ही सालों में इतने ज्यादा लोग रात के अंधेरे में गायब होने लगे। जब गांव के कुछ बुद्धिमान लोगों ने एक साथ मिलकर उन गायब हो चुके लोगों को ढूंढने की कोशिश की तो वो ये देखकर चौंक गए कि गुमशुदा लोगों के शरीर ऐसी अवस्था में बेजान मिल रहे थे जैसे उनकी लाश के अंदर खून का एक कतरा भी ना बचा। शुरुआत में सबको लगा कि ये एक हत्या का मामला हो सकता है। सबसे ज्यादा हैरत में डाल देने वाली बात तो यह थी कि आखिर इस तरह से हत्या करना कैसे संभव है कि आसपास खून की एक छींट भी ना हो और शरीर पूरी तरह से रक्तहीन पड़ा हो। सब इस गुत्थी का हल निकालने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने नोटिस किया कि उन सारी लाशों की गर्दन में दांतों के काटने का निशान बना हुआ है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम से शुरुआत हुई एक ऐसे कंसेप्ट की जिसे आज हम लोग वैम्पायर के नाम से जानते हैं। आखिर कौन होते हैं वैम्पायर, इनकी शक्तियां क्या होती हैं, क्या वाकई में ये एग्जिस्ट किया करते थे, और पोलैंड में ऐसी कौन सी खोज हुई है जिसने शोधकर्ताओं के रोंगटे खड़े कर दिए। तो बिना वक्त जाया करे चलिए शुरू करते हैं आज के एक और दिल दहला देने वाले एपिसोड को। वैम्पायर असल में पिसाचों का एक ऐसा कंसेप्ट है जो 15वीं शताब्दी से ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में फैलना शुरू हुआ था। इनको लेकर वैसे तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग मान्यता थी, लेकिन अगर हम सबसे ज्यादा प्रचलित मान्यताओं की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि यह क्रिएचर सकल सूरत में इंसानों की तरह होते हैं। यह दिखने में इंसानों से इतने ज्यादा आइडेंटिकल होते हैं कि अगर आप कभी किसी वैम्पायर के सामने खड़े भी होंगे तो आप कभी भी उसे पहचान नहीं पाएंगे, और यही एक चीज है जो शिकार करने में इनकी सबसे ज्यादा मदद करती है। अगर ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट को देखें तो कई मेडिवल यूरोपियन सर्वाइवर ने बताया है कि रात के अंधेरे में जब वो किसी काम से लेकर बाहर जाते थे तो अचानक उनके सामने एक शख्स किसी दोस्त की तरह ही आता था, जो किसी न किसी बहाने से उन्हें किसी सुनसान जगह पर ले जाने का प्रयास करता था, और जैसे ही उन्हें इस बात का आभास होता था कि आसपास कोई नहीं है, वह अनजान सी शख्सियत नुकीले दांतों को निकालते हुए अपना असली रूप सामने दिखाते थे, और इससे पहले कि सामने वाला कुछ समझ पाता यह वैम्पायर उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिया करते थे और उनके शरीर का सारा खून चूस लिया करते थे। इनके हमलों से बचने वाले सभी लोग उनका रूप देखकर इतना डर गए थे कि कुछ ही दिनों बाद या तो डिप्रेशन के कारण उनकी मौत हो गई या इस खौफ को ना संभाल पाने की वजह से खुद ही खुदकुशी कर ली। सोचिए इतना भयानक मंजर था वो। देखते ही देखते बात पहले यूरोप के हर एक इलाके में पहुंची और फिर धीरे धीरे दुनिया के हर एक कोने में वैम्पायर एक सनसनी बन गए। शुरुआती कई दशकों तक तो लोगों ने रात में निकलना बंद किया, लेकिन आखिर कब तक वे इस जुल्म को सहते, और इसी वजह से उन्होंने एक साथ मिलकर इन वैम्पायर से निपटने के तरीकों पर खोज करना शुरू किया, और लोगों के अनुभव और पवित्र ग्रंथों की मदद से उन्हें चार ऐसी चीजें मिली जो एक वैम्पायर के बारे में खास थी। पहला तो यह कि वैम्पायर हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति का शिकार करते थे जिसको वह जानते हो या जिससे वह पहले मिल चुके हो। दूसरी जानकारी यह थी कि उन्हें शिकार के बाकी शरीर से कोई मतलब नहीं होता था, या सिर्फ उस जीव का खून चूसा करते थे और बाद में उसकी लाश को सड़ने के लिए छोड़ देते थे। और सबसे आखिरी बात यह थी कि यह सभी डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टेक्ट में नहीं आ सकते थे। ऐतिहासिक अवशेषों के अनुसार अगर यह कभी सूर्य की किरणों के सामने आ जाते थे तो इनके शरीर पर इतना बुरा प्रभाव पड़ता था कि कई बार तो यह अधमरे तक हो जाते थे, और यही कारण था कि दिन के वक्त यह घर में कैद रहते थे और रात के वक्त शिकार करते थे। एक एक करके लोगों ने सबको इकट्ठा करना शुरू किया और ऐसे लोगों की खोज में लग गए जिन पर उन्हें शक था। शुरुआत में तो उन्होंने ऐसे लोगों को मारा भी जो शायद वाकई में वैम्पायर हुआ करते थे, लेकिन कुछ सालों बाद यह मकसद ऐसे पागलपन में बदला कि उसे जनसंहार से नीचे और कुछ कहा भी नहीं जा सकता। मिड 16 सेंचुरी से मिड 18 सेंचुरी तक यूरोप के पोलैंड, स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक जैसे हिस्सों में एक ऐसी प्रैक्टिस शुरू हुई जिसे विच हंटिंग के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत तो हुई थी लोगों की सुरक्षा के लिए, जिसके तहत लोग पहले उस व्यक्ति की काफी हफ्तों तक जांच किया करते थे जिस पर उन्हें वैम्पायर या चुड़ैल होने का शक हुआ करता था, और जब उन्हें पुख्ता तौर पर काफी सारे सबूत मिल जाते थे कि उनका शक सही है या नहीं, तभी जाकर वह कोई बड़ा कदम उठाया करते थे।
लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया यह प्रैक्टिस अत्याचार करने और बदला लेने की प्रथा बन गई। समाज का एक हिस्सा जो अपने आप को लोगों का मसीहा बताया करता था, सिर्फ अपने छोटे से शक के आधार पर बिना किसी सबूत के पकड़ने लगा और विच हंटिंग के आधार पर मौत के घाट उतारने लगा। अब जबकि यह हिस्सा अपने कामों की वजह से समाज में काफी ताकत हासिल कर चुका था, इसलिए धर्म और समाज दोनों की निगाहों में कोई इनके खिलाफ नहीं जा सकता था और इनके फैसले को कोई काटा नहीं करता था, जिस वजह से इनके अत्याचार और बढ़ गए। अगर कोई उनकी बात ना माने तो वह उसे वैम्पायर का नाम देकर मार डाला करते थे। यहां तक कि इसके बारे में पढ़ते वक्त एक डॉक्यूमेंट में हमने यह भी देखा कि यह लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने के लिए औरतों को अपने पास बुलाया करते थे, और अगर अपने आत्मसम्मान के खातिर वह औरत इस वर्ग की बात नहीं मानती थी तो चुड़ैल का नाम लगाकर बहुत ही बेजुल्मी से उसकी हत्या कर दी जाती थी और लोग तमाशबीन बनकर देखा करते थे। आधे लोग इन बातों को ढकोसला माना करते थे तो आधे लोग इन पर यकीन किया करते थे। लेकिन इन कहानियों की सच्चाई तब सामने आई जब निकोलॉस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर पोलिंस्की की टीम ने पोलैंड के गांव में एक ऐसी कब्र को खोज निकाला जिसे फीमेल वैम्पायर की कब्र कहा जा रहा है। खोज के बाद से इस कब्र को लगभग 17वीं शताब्दी का बताया जा रहा है, और इसे फीमेल वैम्पायर की कब्र इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसकी गर्दन के चारों ओर एक धारदार सिकल लगी है। इसके अलावा इस सो कॉल्ड फीमेल वैम्पायर के पैरों पर पैडलॉक लगाया गया है। अगर नहीं समझे तो बता दें कि ये सारे इंतजाम उन्हीं अत्याचारों के हैं जिनके बारे में अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया। दरअसल इसी सिलसिले के दौरान एक ऐसी मान्यता भी थी कि कुछ खास और शक्तिशाली वैम्पायर का शरीर मरने के बाद भी जीवित रहने की क्षमता रखता था, जिस वजह से उनकी जान लेने के बाद ऐसे आसार रहते थे कि उनकी कब्र में दफन उनका शरीर वापस से जीवित होकर अपना कोहराम बरसा सकता था। और बस इसी वजह से विश्वसनीय वैम्पायर के मृत शरीर के चारों तरफ भी ऐसे इंतजाम किए जाते थे कि वह अगर दोबारा जिंदा भी हो जाए तो अपनी कब्र से कभी बाहर ना निकल सके। उदाहरण के लिए मृत शरीर के हाथों और पैरों को जंजीरों और ताले से बांध दिया जाता था ताकि जिंदा होने के बाद भी वह बाहर ना निकल पाए। इसके अलावा उनकी गर्दन के ठीक ऊपर लोहे की आरी जैसी सिकल पड़ी होती थी जो गर्दन से इतनी कम दूरी पर मौजूद थी कि अगर शरीर में जरा सी भी हलचल हो तो गर्दन कट के अलग हो जाए। पोलैंड में अभी जो शरीर मिला है उसमें वह सारी चीजें देखी गई हैं जो यह साबित करती है कि इस शरीर को वैम्पायर मानकर ही दफन किया गया है। मगर यह शरीर जिसका भी था वह शख्सियत क्या वाकई में वैम्पायर थी या नहीं, यह कोई नहीं जानता और शायद हमें इसके बारे में आगे कभी भी पता नहीं चल पाएगा। हालांकि जो शरीर खोजकर्ता को मिला है उसके दांत भी कुछ इस तरह से बने हैं जो किसी सामान्य मनुष्य से अलग हैं और ज्यादा मांसाहारी प्रवृत्ति के लग रहे हैं। लेकिन क्योंकि अभी इस नर कंकाल की जांच पूरी नहीं हुई है, इस वजह से वैज्ञानिक कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं दे पाए। CBS न्यूज के साथ अपने एक इंटरव्यू में इस रिसर्च टीम को लीड करने वाली प्रोफेसर डेरिस ने बताया है कि यह खोज स्पीचलेस कर देने वाली है क्योंकि यह आपको सच और झूठ के बीच की हकीकत दिखाती है। यह कब्र अपने आप में इतिहास की उस कहानी का सबूत है जिसे लोग सिर्फ सुर्खियां बटोरने का माध्यम मानते थे, लेकिन यह खोज उस इतिहास को दर्शाती है जिसे सबने दबाने की कोशिश की। दोस्तों ऐसा नहीं है कि वैम्पायर्स नहीं हुआ करते थे, बल्कि वैम्पायर्स का अस्तित्व इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जो हमारी नजरों के सामने मौजूद है लेकिन कोई उसे देखना नहीं चाहता। इस टॉपिक पर घंटों रिसर्च करने के दौरान हमारे हाथ कुछ ऐसी कहानियां और कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिनसे हम यह साबित कर सकते हैं कि वैम्पायर वाकई इतिहास का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। अगर आप उस सच्चाई को जानना चाहते हैं जिसे हमेशा हमसे छुपाया गया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम आपके सामने इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी ला सके और आपको और ज्यादा जानकारियां दे सके।